कौन कहता है कि हाथ से भोजन करना अनहाइजीनिक है। जब पब्लिक प्लेसेस पर चम्मच या फोक से खाना खाते हो तो नहीं जानती कि वो चम्मच या फोक तुमसे पहले किस किस के मुंह में गया होगा और उसे साफ करने वालों ने सही से साफ किया है या नहीं किया है, लेकिन ये जो तुम्हारा पर्सनल स्पून परमात्मा ने दिया है ये सिर्फ तुम्हारे ही मुंह में गया है, किसी और के मुंह में नहीं गया, और इसे तुमने स्वयं ही धोया है इसलिए तुम जानते हो कि ये बहुत सफाई से तुमने धोया है। तो सही मायने में इससे ज़्यादा हाइजीनिक और कुछ हो ही नहीं सकता है। न्यूरोसाइंस की रिसर्चेस बताती हैं कि हमारी उंगलियों की टिप्स पर मिलियंस ऑफ नर्व एंडिंग्स हैं जो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को भी सर्च कर लेती है और रेलेवेंट सिग्नल्स को हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को भेजती हैं। तभी तो आप स्पर्श से किसी भी चीज़ को पहचान लेते हैं। ये उंगलियां जब भोजन को टच करती हैं तो वो रेलेवेंट सिग्नल्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भेजती हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम रेलेवेंट डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करना शुरू कर देता है। गैस, अपच जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। साथ ही परमात्मा ने आपको दिया है एक इनबिल्ट स्कैनर जिससे आप तुरंत स्कैन कर लेते हो कि आपके भोजन बहुत तेज़ गर्म या बहुत तेज़ ठंडा तो नहीं है, कहीं इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो दांत में फंस जाए, जो गले में फंस जाए। फिर जब आप हाथ से भोजन करते हैं तो आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी प्रेस होते हैं। अब खुद सोचो किसी किसी के मुँह में गए हुए उन छुरे कांटों से भोजन करना ज़्यादा हाइजीनिक है या तुम्हारा अपने खुद के हाथों से भोजन करना ज़्यादा हाइजीनिक है। ये हमारी महान संस्कृति है जो हर चीज़ के पीछे के विज्ञान को, उसके फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल रेलेवेंस को समझते हुए हर चीज़ का प्रावधान बनाया गया।